आगे विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया है। भले ही राहुल गांधी 2024 के लिए सियासी दौड़ लगा रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, निमंत्रण भेज रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के लिए बुलावा भेज रहे हैं, लेकिन मायावती के इस बयान ने उनकी स्पीड पर ब्रेक लगा दिया है। मायावती ने अलग राह अकेले चलने का फैसला लिया है। बीएसपी ने एक दो बार यूपी आदि राज्य स्तर पर अभी तक जो भी चुनावी गठबंधन किया है तो उसे केवल पंजाब को छोड़कर हमारी पार्टी की तरह उनका वोट हमें ट्रांसफरेबल नहीं होने के कारण फिर बीएसपी को ही हानि ज्यादा हुई है। इसलिए इस मामले में अब तक के ज्यादातर रहे खराब अनुभवों को ध्यान में रखकर अब हमारी पार्टी ने आगे विधानसभा व लोकसभा का आम चुनाव भी अकेले ही लड़ने का फैसला लिया। दिवस पर माया बहन को लाखों लाख बधाई। अपने 67वें जन्मदिन के मौके पर मायावती ने जो बयान दिया उससे विपक्षी एकता को झटका लगा है। बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से राहुल बीएसपी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे थे, लेकिन मायावती ने 2023 से लेकर 2024 के लोकसभा तक का अपना चुनावी कैलेंडर जारी कर दिया। मायावती ने कहा कि 2023 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जहां भी चुनाव होंगे उनकी बीएसपी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। साथ ही 2024 में लोकसभा चुनाव भी बीएसपी अपने दम पर लड़ेगी। कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। मायावती के हमले शुरू हुए तो इसके लपेटे में कांग्रेस पार्टी आ गई। उन्होंने मंडल का राग छेड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सरकार के लंबे दौर के रहते हुए भी पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। इसके साथ साथ इन्होंने एससी व एसटी के आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया और अब बीजेपी भी इस मामले में कांग्रेस पार्टी के ही पद चिन्हों पर चलकर इनके आरक्षण के हक को मारने का भी ये घोर अनुचित कार्य कर रही है। जिस वोट बैंक के दम पर मायावती ताल ठोक रही है उसके दर्द को भी बयां किया और इसके लिए समाजवादी पार्टी पर हमला बोलकर पुराने दिनों की याद दिलाई। आरक्षण के मामले में तो शुरू से ही यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व सपा सहित अन्य सभी विरोधी पार्टियाँ अपने संवैधानिक उत्तरदायित्व के प्रति कतई भी ईमानदार नहीं रही हैं। इसके साथ ही एससी व एसटी के आरक्षण को लागू करने के मामले में ही नहीं बल्कि ओबीसी के आरक्षण को भी लेकर इन पार्टियों का रवैया अधिकांश समय अति जातिवादी व क्रूरी देखने को मिला है। बीएसपी के लिए 2022 में यूपी का विधानसभा चुनाव मुश्किल भरा रहा। यूपी में चार बार सरकार बनाने वाली बीएसपी सिर्फ 12.88% वोट हासिल कर पाई। बीएसपी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली। यूपी विधानसभा में विलुप्त होने से तो बीएसपी बच गई, लेकिन आधार वोट ही खो दिया। अब इसी आधार को जिंदा करने के लिए मायावती ने अपने नए प्लान का ऐलान कर दिया है, लेकिन विपक्ष अपने अपने हिसाब से मायावती के बयानों का मतलब निकाल रही है। अब उत्तर प्रदेश की जनता जाति और मजहब के आधार पर किसी गोलबंदी को स्वीकार नहीं कर रही है और इसीलिए मायावती जी अब गठबंधन से तौबा कर रही है। लेकिन वो अकेले चुनाव लड़े या गठबंधन करके चुनाव लड़े, जनता सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के नारे पर भरोसा कर रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनाव जिता रही है। सभी राजनीतिक दलों का अपना विशेषाधिकार है लोकतंत्र में कि वो किस तरह के चुनाव लड़ते हैं, वो किस तरह का फैसले लेते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा प्रयास हम सभी का यही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी 2024 के चुनाव में। यूपी की सियासत इतनी आसान नहीं। बीएसपी 2024 लोकसभा में अपने 2019 के रिजल्ट को सुधारने की कोशिश में है। इसके लिए एक बार फिर दलित, ओबीसी, मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश है, लेकिन बीएसपी का ये मास्टर प्लान कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचा सकता है।
लखनऊ से कुमार अभिषेक समत श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।